दिस इज़ वैभव एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल मैथ्स गिरी विथ वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 6। इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपको, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आपको ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है और सॉल्व करना है सबको, ठीक है। अब आपको डायरेक्टली दे रखा है कि यही आइडेंटिटी, तो पूरे क्वेश्चन में, पूरे सेवेंथ क्वेश्चन में यही आइडेंटिटी यूज़ होनी है, ठीक है। तो दैट इज़ 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या हो गया आपका, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपको दे रखी है। अब हमारा इस केस में ए क्या हो गया 51 और बी क्या हो गया हमारा 49। तो अब इसके अंदर पुट करते हैं, तो a प्लस बी क्या हो गया 51 प्लस 49 इंटू 51 माइनस 49, ठीक है। 51 प्लस 49 क्या हो गया 100 इंटू 51 माइनस 49 इज 2। तो ये कितना आ गया 100 इंटू 2 इज 200। तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब देखते हैं आपका सेकेंड पार्ट, दैट इज़ 1.02 का होल स्क्वायर माइनस 0.98 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अंदर भी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब इस केस में हमारा ए क्या हो गया 1.02 और बी क्या हो गया 0.98, ठीक है। तो ए स्क्वायर, अब ए प्लस बी के अंदर क्या रखेंगे 1.02 प्लस 0.98 इंटू ए माइनस बी, दैट इज़ 1.02 माइनस 0.98, ठीक है। अब 1.02 प्लस 0.98 तो ये कितना हो गया 2, ठीक है। अब 1.02 माइनस 0.98 तो ये कितना आएगा 0.04। अब 2 इंटू 0.04 इज 0.08। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। अब देखते हैं आपका थर्ड पार्ट, दैट इज़ 153 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर। तो इसके अंदर भी सेम आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज़ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब ए प्लस बी क्या हो जाएगा 153 प्लस 147 इंटू ए माइनस बी इज 153 माइनस 147। 153 प्लस 147 इज 300 इंटू 153 इंटू माइनस 153 माइनस 147 दैट इज 6। तो कितना आ गया 3 इंटू 6 इज 18 और दो जीरो है तो दो जीरो इधर भी। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर, दैट इज 1800। अब देखते हैं आपका फोर्थ पार्ट, दैट इज लास्ट पार्ट, 12.1 का स्क्वायर माइनस 7.9 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ए क्या है हमारा 12.1 प्लस 7.9 इंटू 12.1 माइनस 7.9। अब 12.1 प्लस 7.9 इज 20 इंटू 12.1 माइनस 7.9 इज 4.2। 20 इंटू 4.2 इज 84। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 8 इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल मैथ्स गिरी विथ वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।